नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ होली की रात करें पान और लौंग का ये उपाय, फटाफट दुर्भाग हो जाएगा तू। ज्योतिष में होली की रात का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रात में किए गए उपायों से बहुत ही जल्दी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस वर्ष रविवार 12 मार्च को होली है। एक पान के पत्ते पर घी में भिगोई हुई 2 लौंग और 1 बताशा रखें और सभी चीजें होली दहन में डालें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के नीचे घी का जोत जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस उपाय से भाग्य के सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। होली दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय होलिका में चना, मटर, गेहूं, अलसी डालना चाहिए। इस उपाय से स्वास्थ्य के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। होलिका दहन के बाद होली खेलने से पहले किसी मंदिर में देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाएं और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख से पुरुष तिलक लगाएं और स्त्रियां यह राख अपनी गर्दन पर लगाएं। इस उपाय से सभी प्रकार की बुरी नजर से रक्षा हो सकती है। होली दहन के समय होलिका में कपूर भी डालें। इससे हमारे आसपास मौजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। होली पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद किसी शिव मंदिर जाएं। एक पान पर साबुत, सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवजी जी को चढ़ाएं। शाम को शिवलिंग के पास ज्योत जलाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।